चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हर साल नवरात्र शुरू होते हैं, जो इस साल 25 मार्च से शुरू होंगे। इसे वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। इसी दिन से विक्रम संवत 2077 की शुरुआत होगी, यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। नवरात्रि को लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध महामाया मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित करने की तैयारियां चल रही है। इस वर्ष लगभग 11,000 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने की तैयारी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। मंदिर पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि इस बार की नवरात्रि में भी कई विशेष संयोग बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के नवरात्रि में 178 साल पहले बने दुर्लभ संयोग फिर बन रहा है। 178 साल पहले नवरात्रि में गुरु धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था, जो इस बार पुनः प्रवेश कर रहा है। ये एक परिपूर्ण योग माना जाता है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रि पर्व की तैयारी के लिए लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व ही समस्त प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी जाती है, जिसमें मंदिर की लिपाई पुताई पेंटिंग से लेकर के ज्योति कलश को ज्योति गृह में जमाने के लिए फुलवारी बनाना, उसमें कलश को साफ सुथरा करके उसमें जगह पर स्थापित करना इत्यादि सब जो है 1.5 महीने पहले से आरंभ कर दी जाती है, जो नवरात्रि के 2 दिन पहले तक लगभग पूरी हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन पर्यंत माता जी की अलग अलग रूपों में सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जिसमें चप्पल जूता स्टैंड, साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड और पानी पियाऊ से लेकर के समस्त प्रकार की सुविधा रहती हैं। इस बार की नवरात्रि में बहुत अच्छे अच्छे योग संयोग पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे अच्छा कि 178 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। 178 साल पहले नवरात्रि पर्व में गुरु जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था, उसी तरह इस बार भी इस नवरात्रि में धनु राशि से मकर राशि में गुरु का ग्रह का प्रवेश है, जो अपने आप में एक परिपूर्ण योग है। उसके अलावा इस नवरात्रि पर्व में 4 सर्वार्थ सिद्धि योग, 6 रवि योग, 2 अमृत सिद्धि योग, 1 द्विपुष्कर योग और 1 गुरु पुष्य अमृत योग। इस तरह से इस बार की नवरात्रि जो है बहुत अच्छे योग संयोग को लेकर के आ रही है। गौरतलब है कि देवालयों और घरों में नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। कलश में आम के पत्ते और जौ के दाने के साथ सूखा नारियल भी रखा जाता है। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 24 मार्च दोपहर 2:57 से शुरू होकर 25 मार्च दोपहर 5:26 तक रहेगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 25 तारीख को सुबह 11:36 से लेकर 12:24 तक है। खास बात यह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि के व्रत में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, जिसकी वजह से माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना और व्रत कर पाएंगे। देश टीवी के लिए रायपुर से प्रमोद साहू की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।